आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, तो आज हम डिस्कस करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में कि हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। सपोज दैट ये हमारा एक सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये पिस्टन हमारा क्या करता है, कंप्रेस करता है, क्या करता है, ये हमारा पिस्टन कंप्रेस करेगा या एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंशन होगा हम कह सकते हैं। तो हमारी जो प्रेशर होगा और जो वैल्यूम है, वैल्यूम होगा वो हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ला। तो हमारा निकल के आता है रिलेशन, इसका निकल के आता है पी वी की पावर एन इक्वल टू सी, जहाँ हमारा एन क्या है, यह हमारा होता है इंडेक्स ऑफ प्रोसेस, इंडेक्स ऑफ प्रोसेस। आइए इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि और भी हमारे जो रिलेशन है कि जो हमारा निकल के आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले हम पॉलीट्रॉपिक डायग्राम की बात करते हैं। जो हमारा रिलेशन निकल के आया है, ये हमारा पी है, ये हमारा वी है, ओके। तो ये हमारा जो रिलेशन निकल के आता है वन, ठीक, ये हमारा क्या है, पॉइंट वन है, ये हमारा टू है। तो ये हमारा प्रेशर के है, तो पी वी एन इक्वल टू सी, वन टू टू। ये हमारा वी टू एंड वी वन, और ये हमारा पी, ओके। बट हम बात करते हैं पी वी की पावर एन इक्वल टू सी में। तो अगर हम पी वी की पावर एन इक्वल टू सी, अगर हम सपोज दैट एन इक्वल टू जीरो माने, तो हमारा क्या होगा, पी वी की पावर जीरो इक्वल टू सी, यानी कहने का मतलब पी इक्वल टू सी, यानी कहने का रिलेशन आया हमारा प्रेशर क्या है, हमारा प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारा ला निकल के आता है, उसे हम करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। तो हमारा ये होता है आइसोबेरिक प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम इसी में n इक्वल टू सपोज इट वन पुट करें, ओके, तो हमारा जो पी वी की पावर n इक्वल टू सी है, वन निकल के आएगा पी वी वन इक्वल टू सी, यानी पी वी इक्वल टू सी। अब यह हमारा क्या निकल गया, n इक्वल टू जो हमने वन माना, पी वी सी, यानी यह हमारा निकल गया है टेम्परेचर, इसमें हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये हमारा कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम n इक्वल टू क्या रखें, इनफाइनाइट है, तो जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वह c पी वी फाइनाइट इक्वल टू c, हम क्या करते हैं वन बाई इनफाइनाइट का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मैं देख लेता हूँ पी वी वन बाई इनफाइनाइट वी इक्वल टू सी, तो यह हमारा क्या निकल के आएगा, जीरो, पी की पावर जीरो, वी की वन इक्वल टू सी, यानी कहने का मतलब वी इक्वल टू सी। इस रिलेशन में हमारा क्या आया, जो हमारा वैल्यूम होगा वह हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो हमारा वैल्यूम कांस्टेंट होगा वह हमारा कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हमारा बचता है एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। अगर हम n इक्वल टू गामा पुट करें तो v गामा इक्वल टू c, तो यह हमारा रिलेशन निकल के आया एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। अब हम जो तीनों जो हम फाइंड किए हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इसका हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, पीवी डायग्राम। तो हमारा जो पीवी डायग्राम निकल के आया, सपोज दैट ये हमारा क्या है, पी है, और ये हमारा क्या है, वी है। तो पहले प्रोसेस में हमने देखा था कि ये जो हमारा प्रेशर है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो ये ऐसी कुछ लाइन जाएगी हमारी, हम कह सकते हैं P इक्वल टू सी वेन
एन इक्वल टू जीरो, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद भी रखिएगा आप। अब सेकेंड रिलेशन में हम क्या किए हैं, वी इक्वल टू सी, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं यह हमारा निकल के आया v इक्वल टू सी, जब n इक्वल टू हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ समझ समझ में आनी चाहिए कि जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा सेम ग्राफ किया जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जब हम n इक्वल टू वन पुट करते हैं तो टेम्परेचर क्या हमारा कॉन्स्टेंट निकल के आता है। अब सेम एडियाबेटिक का भी हमारा ग्राफ जो होता है ऐसे ही होता है, जो हमारा डायग्राम बनता है वो भी ऐसे ही निकल के आता है। बट ये क्या होता है, थोड़ा सा प्लस होता है। यह क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी गामा की वैल्यू होती है वो एयर की 1.4 होती है। ये एन इक्वल टू वन है, यह निकल गया है एन इक्वल टू 1.4, इसलिए यह हमारा कहलाता है एन इक्वल टू गामा इज ए एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अब हम इसके वर्कडन के बारे में बात करते हैं और हीट के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं, हमने कि जैसा निकाला है पी वी एन इक्वल टू सी, तो हम कह सकते हैं पी वी की पावर एन पी वन वी वन एन वन पी टू वी टू की पावर एन टू इक्वल टू सी। ओके, तो हम यहाँ अगर हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा पी वन वी वन एन इक्वल टू वी एन। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, सेम रिलेशन हमारा यही होता है, बस एन की जगह हमारा क्या होता है, गामा होता है। तो हमारा जो वर्कडन निकल के आता है वह निकल के आता है 1 to 2 पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू एन माइनस वन। ओके, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, यह हमारा निकल के आता है वर्कडन। ओके, अब हम बात करते हैं डी यू की, बात करते हैं जो हमारी इंटरनल एनर्जी निकल के आती है, वह हमें पता है जो हमारी डी यू निकल के आएगी वह निकल के आएगी एम सी वी टी टू माइनस टी वन जूल। अगर ये शॉर्टकट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि ये जो हमारे जितने भी वर्कडन है या डी यू है हमारी कैसे निकल के आती है। अब हम बात करते हैं डी क्यू के बारे में, तो हमारा डी क्यू का फार्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, यानी इंटरनल एनर्जी एंड प्लस वर्कडन। तो हमारा जो डी यू निकल के आएगा वह निकल के आया एम सी वी टी टू माइनस टी वन, क्योंकि डेल्टा टी निकल के आएगा। जो हमारा वर्कडन निकल के आया वह निकल गया पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। अगर इसको एनआरटी के फॉर्म में चेंज करें तो एम सी वन टी टू माइनस टी वन प्लस एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू, दिस इज एन माइनस वन। ओके, अगर हम इसमें कॉमन लें तो हमारा कॉमन हो जाएगा एम टी टू माइनस टी वन, तो हमारा निकल के आएगा सी वी दिस आर एन माइनस वन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल से डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा, हमने एक रिलेशन पढ़ा है एम टी टू माइनस टी वन जब निकल के आएगा तो ये हमारा निकल के आएगा सी वी। ओके, तो और आर इक्वल टू हमारा होता है सी पी माइनस सी वी एन माइनस वन। हमारा आर जो होता है वो होता है सी पी माइनस सी वी। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वह निकल के आएगा एम, मैं शॉर्टकट थोड़ा कर दे रहा हूँ, एक लाइन आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा और क्रॉस कर लीजिएगा तो हमारा क्या होगा एन सी वन आएगा और सी वी कट जाएगा। तो यह निकल गया एम सी वी टी टू माइनस टी वन एन माइनस गामा और एन माइनस वन। तो और जो हमारा यहाँ गामा है, ओके, तो जब हमारा यहाँ सी वी कटेगा तो हमारा निकल के आएगा सी पी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा ये रिलेशन फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा गामा इक्वल टू होता है वो होता है सी पी अपान सी वी।
तो जो हमारी डी क्यू निकल के आई वह निकल के आई हमारी एन माइनस गामा एन माइनस वन एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ओके, ये हमारा आ गया डी क्यू, ये हमारी आ गई हीट। अब हम नेक्स्ट रिलेशन, आप इसको डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है, कब डेरिवेशन याद रहेगा तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, सॉरी इन्थाल्पी। तो जो हमारी चेंज इन इन्थाल्पी आएगी, चेंज इन इन्थाल्पी वह क्या होगी, तो हमने पुराने इस वीडियो में डिस्कस किया एडियाबैटिक में, सेम एडियाबैटिक तरीके ये होता है इसमें भी। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी जैसे हमारी होती है वो क्या होती है, सम ऑफ द एनर्जी होती है। तो जो सम ऑफ द एनर्जी होगी तो हमारी डी यू प्लस पी डी वी, इस रिलेशन से जब हम फाइंड करते हैं तो हमारी जो डी एच निकल के आती है, इन्थाल्पी निकल के आती है, वह निकल के आती है एम सी पी टी टू माइनस टी वन किलो जूल। तो हमारे तीनों रिलेशन फाइंड हो गए हैं कि जब हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है तो हमारा वर्डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी और हमारा इन्थाल्पी क्या होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।